ड्रामा क्वीन राखी सावंत की निजी जिंदगी काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। बीते दिनों राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल तुरानी के साथ शादी का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया था, जिसके बाद उनकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। वहीं अब राखी ने अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज की जानकारी दी है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल राखी सावंत ने खुलासा किया है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया है। राखी का कहना है कि इस बारे में उन्होंने मराठी बिग बॉस में भी बताया था, लेकिन किसी ने उनकी इस बात पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया। वहीं इस पर हार्ट ब्रोकन का इमोजी लगा दिया। इस पोस्ट के साथ बताया गया है कि उन्होंने राखी सावंत के साथ बातचीत की है। उन्होंने एक्ट्रेस से खुलासा किया है कि उनका मिसकैरेज हुआ है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने बिग बॉस मराठी शो में इस बात का ऐलान किया था, लेकिन कभी ने सोचा कि ये एक मजाक है और किसी ने भी इसे सीरियस नहीं लिया। इसके आगे राखी सावंत ने बताया कि उनका अब मिसकैरेज हो गया है। बता दें कि बीते दिनों ही राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वो आदिल के साथ नहीं रहती हैं तो वो अपने बच्चे को अकेले पालेंगी। तब से दावा किया जाने लगा था कि राखी सावंत प्रेग्नेंट है। गौरतलब है कि राखी सावंत कुछ समय पहले ही बिग बॉस मराठी सीजन 4 से बाहर आई है। इस शो में बाहर आने के बाद ही उन्होंने अपनी बीमार माँ की बिगड़ती तबियत के बारे में भी पता चला था। साथ ही एक्ट्रेस को बॉयफ्रेंड आदिल पर भी शक होने लगा था, जिसकी वजह से राखी ने मीडिया से बीच अपनी और आदिल की फोटो शेयर कर तहलका मचा दिया था। दोनों की शादी को 7 महीने हो चुके हैं और आदिल के लिए राखी ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया है। शादी के बाद से वो फातिम बन गई हैं और इस बात का खुलासा भी उन्होंने खुद किया है।